तो रोज की तरह नृत्य ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भव की कामना के साथ वरुण को मेरा सारे नमस्कार, छोटू को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का पंचांग दोस्तों, आज जो है 26 मई 2024 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, और आज जो है दोस्तों 8:32 तक शारद योग, और उसके बाद जो है शुभ योग का संयोग रहेगा। 10:37 मूल नक्षत्र, और उसके बाद दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज 11:51 तक अभिजीत मुहूर्त, 11:51 से 12:46 ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 4:04 से 4:45 तक अमृतकाल, आज दोस्तों 4:12 से 5:48 तक विजय मुहूर्त, 2:35 से 3:30, और राहु काल दोस्तों आज 5:28 से 7:12 तक, सूर्योदय आज दोस्तों 5:45 और सूर्यास्त जो है 7:02। इस प्रकार दोस्तों रविवार की प्रकृति धूप है, और इस दिन सूर्य अपनी पूर्ण ऊर्जा लिए हुए पूर्ण प्रकाश के साथ आकाश मंडल में अपनी दिव्य प्रकाश की छटा के साथ सभी ग्रहों की सबसे बड़ा ग्रहों का स्रोत और ग्रहों का राजा के रूप में सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। एक ओर जहाँ दोस्तों सूर्य जो है प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन को अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किरणें निकलती हैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे जीवन के लिए बहुत ही फलदायी और शुभकारी है, लाभदायक है। तो सूर्य का प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों इस संसार में, इस सृष्टि में सूर्य ही है। सूर्य अगर हम सनातन धर्म में सकारात्मक ऊर्जा का जो द्योतक होता है वह सूर्य माने गए, तो सभी प्रकार के रोग शोक को मिटाने वाले ग्रह सूर्य हैं। इस प्रकार दोस्तों सूर्य भगवान का विधिवत पूजा अर्चना करना, और रविवार के दिन दोस्तों खासते अवकाश रहता है, सब लोग विश्राम रहते हैं, यह आराम का दिन माना जाता है। तो दोस्तों रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्य ग्रह सबसे वरिष्ठ ग्रह माने गए हैं। इस दिन बहुत लोग रविवार का उपवास भी रखते हैं, व्रत करते हैं, ध्यान रखते हैं। रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों की प्राप्ति करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों सूर्य देव को नौ ग्रहों का राजा माना गया है। नौ ग्रहों की शांति के देवी सूर्य देव की उपासना करना सबसे फलदायी माना गया है, और इस दिन दोस्तों तांबे के बर्तनों का प्रयोग करके भगवान सूर्य देव की अर्चना करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य देव की उपासना पूजा करने का बहुत ही हमारे जीवन में सार्थक फल मिलता है, और तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन दोस्तों उपवास के दिन नमक का सेवन करना वर्जित है, और लाल वस्त्र तथा लाल पुष्पों से भगवान शिव को अर्चना कर भगवान सूर्य की अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने से असाध्य बीमारियों की ये हमारे जीवन में ठीक हो जाते हैं हमारे शरीर से, और सेहत अच्छी रहती है,
यश कीर्ति का और राज्यों का प्रबल ग्रह सूर्य भगवान माने गए हैं। संपन्नता का प्रतीक और सूर्य देव में सुबह सुबह अगर आप कहीं जाते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखिए। सूर्यवार यानी रविवार के दिन बाहर निकलना चाहिए, वह शुभ कार्य माना गया है। और दोस्तों, सफलता का द्योतक सूर्य देवता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों 7 कुंडों में स्नान कर पिंडदान की स्थापना कर भगवान सूर्य की उपासना की थी। इस प्रकार के प्रसंग हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में विद्यमान है। सूर्य स्वयं जब प्रकट हुए तब श्री राम जी ने उन्हें दीप दान दिया। और इस प्रकार दोस्तों सूर्य कुंड नामक स्थान पर जो है सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। ओम सूर्याय नमः, ओम घन सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय, सहस्त्र किरणाय, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम यही सूर्य सहस्तान दीजो रानुमान भक्तिया घनगण तया तो नमः सूर्य नमः भानवे। तो सहस्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकम्बंग भक्त्याम ग्रहणगम दिवाकर। तो आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना सूर्य की प्रसन्नता के लिए, सूर्य की आराधना के लिए, सूर्य देव को मनाने के लिए बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। सूर्याय नमः, ओम घन सूर्याय नमः शास्त्रों में पावन सूर्य कुंड का ध्यान त्रेतायुग में मर्यादा पुष्पम भगवान राम जी ने सूर्य देव की उपासना की थी। इस प्रकार के भगवान हमारे साहित्य में मिलते हैं, हमारे सनातन धर्म में मिलते हैं, हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो सूर्य देव दोस्तों ग्रहों के राजा हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने के लिए और जीवन के अनेक प्रकार की बीमारियों का को समाप्त करने के लिए सबसे बड़े ग्रह के नाम में उनकी उपासना की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार लंकाकांड का प्रसंग चल रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अंगद को राजा रावण के दरबार में भेजा है दूत बन के, और रावण को अनेक प्रकार से सहमति दे करके तर्क वितर्क से रावण को समझाने का प्रयास किया गया है। मर्यादा की रसना के लिए, मर्यादा की भावना को उजागर करने के लिए और मर्यादा और नीति के अनुसार कार्यों को संपन्न करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के प्रयास किए। और कहीं पर भी वे अवहेलना के पात्र बनने नहीं बने, इसीलिए रामचरितमानस में वह एक आदर्श मानक के रूप में उन्होंने मानव जीवन में जन्म लिया। तो दोस्तों, गुणो भूषति रूपं शीलं भूषति कुलम। तो उच्च कुल में रावण भी पैदा हुए थे, उच्च कुल में राम भी पैदा हुए थे, लेकिन दोनों के गुणों में अलग अलग भाव थे। जहाँ रामचंद्र जी उच्च कुल की रघुवंश की शिरोमणि, रघुवल के कुल का रघुवंशी कुल की मर्यादा को हमेशा उजागर करते हुए उनका नाम इस सृष्टि में हमेशा के लिए उजागर है, वही उच्च कुल में पैदा हुए पुलस्त कुल में पैदा हुए रावण ने भी बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया था, ज्योतिषी थे, शास्त्री थे, लेकिन गुणों भूषते रूप गुण न होने के कारण उनके अंदर उस कुल के अनुसार गुण न होने के कारण उनकी क्या दशा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जहाँ एक और सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, वहीं रावण जो है असत्य और
हिंसा का पुजारी। तो गुणो भूषते रूपम शीलं भूषते, तो कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए रावण ने अपने को जिस प्रकार राक्षसी माया में अपने को जन्म दिया, अपने जीवन को परिवर्तित करके लोभ मोह क्रोध की और अहंकार के बल में बल से अपने जीवन को बिताया, तो सिद्धं भूषते विद्या, विद्या भी थी रावण को भी विद्या थी, मर्यादा पुष्प भगवान राम को विद्या थी, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति रामचंद्र को थी, रावण को नहीं। भोगो भूषते, भोग धन की, यद्यपि रावण राक्षसी माया जन्म होने के कारण अनेक प्रकार की मांसाहार और तामसी जीवन यापन करके उसने अपने कुल का जिस प्रकार से अंत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सनातन धर्म के अनुसार और सरल जीवन और सात्विक जीवन को यापन करके अपने कुल को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। इसीलिए दोस्तों आज भी रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म जी को आदर्श का प्रतीक माना गया। तो विद्वान पुरुषते लोको, विद्वान पुरुषते लोको, विद्वान गच्छति गौरव और विद्या लभ्यते सर्वम, विद्या सर्वत्र गुरुते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की विद्या अपने गुरुजनों से प्राप्त की थी, तो वह सभी जगह उनकी शोभा है, उनका मान है, उनका यश है, उनकी कीर्ति है, सम्मान है। वही रावण ने जो विद्या प्राप्त की थी वह जो है अपयश का भागी है, क्योंकि उसकी गुण विद्वान प्रवेशति लोको, विद्वान गच्छति गौरव। तो किसी प्रकार के सब कुछ जानते हुए भी उसका अनुकरण न करना, ये जो है रावण को बहुत ही अनेकों बार दूर भेजने पर तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंगद को रावण के लिए भेजा कि किसी न प्रकार को फिर भी अभी भी समझा बुझा करके उसको सही किया जाए। तो अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में रामचंद्र ने उनको बुलाया और वे मन से जरा भी नहीं हिचके। जब रावण के सभा में, रावण की सभा में अंगद को रामचंद्र जी ने भेजा, तो वहाँ पर जाके अंगद को किसी प्रकार का भी निसंकोच थे, किसी प्रकार का डर नहीं था, निर्भय थे, क्योंकि सत्य को कभी आँच नहीं होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो दोस्तों अंगद को देखते ही सब सभासद वहाँ पर उठ गए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतिम चेतना के लिए रावण के पास अंगद को भेजा था, यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध आया। तो जथा मत गद दूत महू पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिर मनो वै सभा। कल के प्रसंग में यह है दोस्तों, तो जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, किसी प्रकार का उसको डर नहीं रहता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप को अपने मन में अंकित करके, अपने हृदय में समा करके, निर्भय होकर सभा में सुनवा कर अंगद जो है इतने राक्षसी माया में अकेले जो है रावण के सामने निडर होकर के खड़े। तो यह दशकंड कवन के बंदर में रघुबीर दूर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयुष भाई। तो तुम्हारे हित के कारण मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ये कल के प्रसंग में था दोस्तों। और ये भी कहा कि मम जन कहीं तो ही रही मिताई, मेरे पिताजी और तुम्हारे आपस में बहुत ही मित्रता थी। कह दशकंड कौन दे, यह बंदर कौन है, क्यों यहाँ आया है, किस कारण से आया है, मैं रघुवीर दूसर। तब अंगद ने कहा मैं रघुवंश कुल के महान शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दूत हूँ, उत्तम कुल कुलस्थ करना थी। तब अंगद ने उनको नीतिगत बातें और ज्ञान की बातें कहकर
उसके कुल की मर्यादा का बखान कर रावण को से कहा, उत्तम कुल कुलस्ति करना थी, यानी तुम्हारा नाम उत्तम कुल में है, तुम्हारा उत्तम कुल है और कुलस्थ ऋषि के तुम पौत्र हो, तो गुणो भूषित रूप में, और शिवजी और ब्रह्मा जी तुमसे शिव विरंचि पूजों बहुभांति, शिवजी और ब्रह्मा जी तुमने बहुत प्रकार से उनको पूजा है, उनकी अर्चना की है, बर पायुषु दीनों सब काजा, और इस प्रकार से सब कार्य कर करके उनसे वरदान प्राप्त किया है, जीत हों लोकपाल सब राजा, और सभी लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीता है, उन पर विजय प्राप्त की है, तो नृप अभिमान मोहवश किम्बा हरियाणु सीता जगदम्ब, तो राजमद या मोहमश तुम जगतजननी सीता को लाए हो, मोहवश होकर के राजवश होकर के अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, अपने माया मोह और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए, तो गुणों भूषते रूपम शीलं भूषते, न गुण रह गए न शील रह गया, सिद्धं भूषते विद्या न सिद्धि रह गई, भोगो भूषते, यानी और न धन की तुमने सही प्रकार से प्रयोग किया, तो कोई भी चीज़ का तुमने सही प्रयोग नहीं किया, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तो राजमद या मोहमद तुम त्याग करके और जिस प्रकार से तुमने राज्य और मैं जो है तुम सीता को हर के लाए हो, तो ब्रह्मा जी तुमसे हर प्रकार से तुमने पूजा की है, और मेरी हितकारी तुम्हारे जीवन के लिए यही सलाह है कि प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे, बस मात्र एक कार्य है कि जगत जननी माता सीता जी को तुम नीति के अनुसार मर्यादा के अनुसार वापस कर दो, और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की शरण में शरण ले लो, दशन गहूँ तन कंठ कुठारी हरिजन सहित संग निवारी साधर जनक सुता करी आगे यही भी जरा सफल, तो दांतों में तिनका दबाव, अपना पश्चाताप करो और गले में कुठारी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्थितियों को साथ में लेकर सम्मान के साथ आदर के साथ जानकी जी को आगे करके इस प्रकार से भय छोड़कर चलो, किसी प्रकार का किंचित भय अपने मन में मत रखो, इस प्रकार का ज्ञान अंगद जी ने बाली के पुत्र जो थे अंगद ने रावण को समझाया, पुनतपा रघुबंध वशी साय साय मोय आरत गिरा सुनत प्रभु प्रभव प्रभु, यानी और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए, और रक्षा कीजिए इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, दीन बस प्रार्थना करो, भगवान के चरणों में सिर नवाओ, और आर्थ पुकार सुनते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे, और तुम मर्यादा और नीति के अनुकूल कार्य करो, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जीवन की के उत्थान का सबसे बड़ा रास्ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो भी शरण में आते हैं उनको हमेशा हमेशा अपने शरण में आश्रय देते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब अंगद ने इस प्रकार की बातें समझाई रावण को, तो समय की उपासना, तो वक्त और वक्त का बड़ा समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, इस अनित्य जगत में दो ही सत्य है, रावण और रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रावण के लिए इस प्रकार से अनेक प्रकार से कितनी मर्यादा के अनुकूल अपने भावों को सजित किया,
तो तुलसीदास ने रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंह का चरित्र जिस प्रकार उनके आदर्श थे, उनको मानव जीवन के लिए चरितार्थ रखने के लिए हमेशा के लिए जीवन को साकार बनाने के लिए इस प्रकार के भाव को रखा। तो जीवन के अनित्य जगत में दो ही शक्ति हैं, एक परमात्मा दूसरा समय। तो दोनों दृश्यमान न होने के कारण केवल अनुभव गम्य है, दिखते नहीं हैं, हम उनके अनुभव कर सकते हैं। तो नास्तिक भले ही परमात्म तत्व की को न स्वीकारते हो, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि समय को परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित असत्य नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि निराकार निर्विकार विनाशी अजन्मा जो आदि जो गुण परमात्मा में हैं वही समय से भी समय में भी। जिस प्रकार परमात्मा नित्य सत्य सनातन अनादि और अनंत हैं, उसी प्रकार समय भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। सोचने की बात है दोस्तों, रावण का समय अनित्य की अनाचार की तरफ जा रहा है, इतना ज्ञान देने पर भी रावण को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो सृष्टि का कण कण समय की अधीनता को स्वीकार करता है, परमात्मा के समान यह समय ब्रह्मांड का की रचना से पूर्व भी था बाद में भी रहता है, यह ही मात्र तटस्थ साक्षी और दृष्टा है। तो दोस्तों जिस प्रकार के प्रसंग हुए वह रावण और राम जी के साक्षी थे, सभी को समस्त अवतार परमात्मा समय देते हैं, वक्त देता है, और जैसे एक ही परमात्मा के जो दो भाव दिखते हैं, उच्च कुल में दोनों पैदा हुए थे लेकिन समय की पुकार ने किसको सद्गुणों से दूषित किया, जैसे एक ही परमात्मा को जिस भाव से परमात्मा देखा जाता है उसी रूप में दिखाई देता है, तो वैसे ही समय को जो जिस कर्म भाव से अंगीकार करता है उसी रूप से फल प्रदान करता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आदर्शता का मानक सब कुछ त्यागते हुए सब छोड़ते हुए भी उन्हें इस जीवन में केवल मर्यादा की रचना के लोक चेतना को जगाने का कार्य किया, लोक कल्याणकारी कार्य करने के इस जन्म में मानव जीवन में अवतरित हुए, यही उसका उनका ईश्वरत्व है, यही उनकी भगवत कृपा है। तो त्रिकालावाधित समय कि मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार भले ही दिन महीने वर्ष युग और कल्पादि में बांधने का प्रयास किया पर बांध नहीं पाया। दोस्तों इसे वही बांध सका जिसने इसका मूल्य समझा, जिसने इसकी कीमत समझी, जिसने इसकी वास्तविकता को समझा और वही उपासक बन गया। तो एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वही उपासक बने, वही साधक बने जो समय की पुकार के अनुसार अपने ज्ञान का संचार उनके अंदर था। तब एक बार गुरु ने शिष्य से अपने वत्स से पूछा कि हे वत्स सबसे बड़ी हानि क्या है। शिष्य ने कहा गुरुदेव, यानी धन की हानि सबसे बड़ी हानि है। गुरु ने कहा नहीं वत्स, सबसे बड़ी हानि धन की नहीं है, समय की। अगर हम समय के साथ अगर रावण उस समय अंगद की बात मान लेता, हनुमान जी की बात मान लेता, जितने भी और विभीषण की बात मान लेता तो उसका समय हमेशा साथ देता, वह नीतिगत चलता, उसका जीवन सार्थक होता। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे का जब पर्दा हमारे हृदय अंकल में लग जाता है तो हम ज्ञान को भी अज्ञान ही समझते हैं, अच्छाई को भी बुराई समझते हैं। तो क्योंकि नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है लेकिन पर बीते हुए समय को कोई नहीं जान सकता। रावण का जो समय इतना समय देने पर इतना इंतजार करने पर इतनी बार उसको समझाने पर भी उसका ज्ञान ठिकाने नहीं आया, तो जो इसका
इसीलिए रावण ने समय के मूल्य को नहीं समझा। तो समय उसी का हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी दोस्तों कहा है कि समय समझा जा सकता है उन मिनटों का मूल्य जो बेमुश्किल मिल पाए थे। जब वह शिकागो में धर्म संसद में बात कर रहे थे तो अपनी मातृभूमि भारत भूमि की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत के गौरव को, के मान को, मर्यादा को बढ़ाने के लिए, मानवता के लिए जो भाव उन्होंने अर्पण किए, समय जीवन का अमृत, इसीलिए उनको समय ने अमृत का बलिदान दिया। तो वास्तव में दोस्तों उन्होंने धर्म संसद में इस प्रकार की बातें कही जो नीति के अनुकूल थी और भारत के गौरव की मान मर्यादा की उच्च पराकाष्ठा। तो दोस्तों वास्तव में ये समय की उपासना और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। यही भाव रावण के लिए मर्यादा वस्त्रों भगवान ने अनेक बार उसको समय दिया, समय के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आगे सुनिए दोस्तों क्या होता है। हरे कवि भूत भूल संभारी मूल जानो मोर्य, अज्ञान बस वह समय की साधना को न जानते हुए क्या कहता है। इतनी ज्ञानवान बातें जो अंगद ने बहुत ही सूझबूझ करके बातें कही। तो रावण ने क्या कहा, अरे कवि भूत भूल संभारी, अरे बंदर के बच्चे सबल कर भूल, मूल न जानो मोर्य मुरारी, मूर्ख मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, और इतना ज्ञान देने वाला तू कौन है और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, के नाते माने मिताई, किस नाते से मित्रता मानते, अंगर नाम वाल कर बेटा, तासुं कबं भिल्कुल हिता, अंगद वचन अनब सुख जाना, रहा बाल बानर में। तो अंगद ने बड़े निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी वाणी का वो कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, सासुओं का बहू भाई की बेटा, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, अंगद वचन सुनकर सुख जाना, अंगद का वचन सुनते ही, ऐसे भावों को सुन के ही रावण को संकुचित हो गया, संकोच उसको आ गया। कितना भी पत्थर दिल होता है तो जब वह अपने किए हुए कार्य को सामने सुनता है तो उसमें कुछ न कुछ उसको संकोच हो जाता है। तो बोला कि रहा बाल बानर में जाना, मैं जान गया, मुझे याद आ गया है, मेरे समझ में आ गया है कि बाल नाम का एक बंदर था। जब दोस्तों आदमी मूर्खता में चला जाता है, अज्ञान में चला जाता है, जो रात दिन साथ में रहता है उसको भी वो कहता है, हाँ हमने आपको देखा था, मैं जानता हूँ, अंगत नहीं बाल ही कर बालक, उपजे हूँ मनुष्य अनल को है। अरे अंगद फिर बोलता है कि अंगत नहीं बाल ही कर बालक, तू ही बालिका लड़का है, उपजहूँ वंश अनर कुल घालक, जो कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। ऐसे भावों से उल्टा बोलता है, गर्भ न गए हूँ व्यर्थ तुम लाए, गर्भ ही क्यों नष्ट हो जाता, यानी तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने मुँह से तपस्या का दूध पाया। तो मर्यादा वसुधम भगवान रामचंद्र जी जाकू प्रभु जी दूध देते हैं ताकि मुक्ति का। तो रावण को कुपात्रता का पात्र, कुपात्र का पात्र बनाते हुए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया उसी प्रकार का चैत्र रावण का था। वह अच्छाई को समझता नहीं था क्योंकि उसमें राक्षसी, राक्षस और देवताओं में दोस्तों यही अंतर है, अनित अत्याचार अहंकार अज्ञान, जो कोई नीति नहीं जानता है, कोई मर्यादा नहीं जाते है, मानव सेवा राक्षस बन जाता है। तो राम विरोध कुशल नहीं होई,
छो अब तो ही सुना सुन सठ भेद होए हम मन ताके श्री रघुवीर हृदय में। और श्री राम जी का विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, अब कहूँ कुशल बाल कहाँ आई भैंसी बचन अब अंगत कही। अब बाल की कुशल तो बता वो आजकल कहाँ है, भैंसी बचन कहाँ अंगत बेहू। और अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। यानी बाली जो है त्रिलोक को चला गया है, इसीलिए तुम्हारा भी 10 दिन के अंदर जो है अंत होने वाला है, तुम्हारा समय नज़दीक आ गया है, वहीं तुम उनकी कुशल पूछना, तब तुमको ज्ञान तुम्हारा ज्ञान जो है वहीं खुलेगा, वहीं पर तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने किए हुए कार्यों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। राम विरोध कुशल जैसी हुई तो श्री राम जी के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वहाँ विस्तार से तुम्हारा चित्त जो है तुम्हारे चित्त में जिस प्रकार का लेखा जोखा होगा वह लेखा जोखा चिट्ठा तुमको पूरा वहाँ पर खोलना पड़ेगा। सो सब तो ये सुनायूँ सोई सुनायूँ सोई हे मूर्ख सुन सुन सठ भेद होई मनता के। भेद उसी के मन में पड़ सकता है, श्री रघुवीर हृदय नहीं काके। भेद नीति उस पर अपना प्रसाद ढाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर नहीं। तो परमात्मा का आवाज जिस मन में नहीं होता है और इस संसार में मानव होते हुए पशु से भी बदतर है, इस प्रकार के भाव अंगत में रावण की जो बुद्धि थी जो वह भूल गया था उसकी स्मृति कराई। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दशीस अंधौ बधिर ने अस कही नयन कांत। यानी सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला, ये तुमने सच कहा, तुम कुल का पालक दशीस और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो, कुल की मर्यादा को जानते हो और कुल का अच्छे कुल की क्या विशेषता होती है, गुणो भूषते रूपम शीलं भूषते गुणो भूषते रूपं शीलं भूषते कुलम और सिद्धिन भूषते विद्या भोगो भूषते। यानी अब मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, तुम सही कह रहे हो, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो, कुल की नीति को जानते हो, कुल के भूषण हो, तो अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो दुनियादारी के बारे में नहीं जानते हैं, जो साक्षात में मानव को नहीं देखते हैं, जो मानव से मानव को संपर्क नहीं कर सकते, तो तुम्हारे कहे नयन कांत विष, तुम्हारे 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं, फिर भी तुम जो है कुल की बात नहीं जानते हो, अपयश के भागी बन रहे हो, इस प्रकार के मैं तो कुल का घातक हूँ, तुम तो सही हो, तुम्हारे अंदर किस प्रकार के कुल की बातें हैं। तब जो है इस प्रकार का तर्क जब रावण के पर अंगत ने ठोका, शिव विरन किशोर मन समुदाय चाह सरण से पाए। शिव ब्रह्मा और देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम जी को सेवितंग करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और तास दूत हो ये हम कुल कोरा, और उनका दूध होकर मैंने एक कुल को डुबा दिया है, ये तुम मर्यादा की बात कर रहे हो, नीति की बात है। और आपको जो है इस प्रकार से हम मर्यादित चीज़ें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सदमार्ग पर चलने का प्रयास करो कह रहे हैं, असह ही मत विहल में तोड़ा। अरे ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता है, तुम्हारे हृदय में कोई मानवता है ही नहीं,
तुम्हें अमानवीय भावों से तुम ग्रस्त हो गए और तुम्हारे अंदर न मर्यादा है न नीति है, तुम अनीति और अहंकार के भंडार हो गए हो। सुने कठोर बाणी कपिकेरी कहत दशा में। तो इस प्रकार से दोस्तों रावण और यानी रावण और अंगद का संवाद बड़ा विचित्र होता है। तर्क वितर्क होते हैं, दोनों तरह से आदान प्रदान होता है, बातों का तर्क वितर्क होता है। लेकिन रावण अज्ञानता की बात करता है लेकिन अंगद ज्ञान की बात करता है। सुनी कठोर वाणी कपिकेरी, वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तोड़कर जब उसको उसके अंदर में बातें चुभती हैं, जैसे बाण शरीर में चुभता है वैसे उसको अंगद की बातें चुभ रही हैं। कह दशा आनंद नहीं करेगी और बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ, खल तव कठिन वचन सब सहा हूँ, नीति धर्म में जानता हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ कि उसको करना नहीं चाहता। धर्म नीति जिसका दुर्योधन सब जानता था लेकिन वह धर्म नीति की मर्यादा को नहीं करना चाहता था। जब इंसान को मोह माया और महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं के संसार में वह चला जाता है तो उसको नीति अच्छी नहीं लगती है, मर्यादा अच्छी नहीं लगती है। यही रावण के लिए हुआ है। कह कभी धर्मशीलता तोरी, हमऊँ सुनी खुद सब प्रिय धोरी, देखी नयन दूत रखवारी, भूल न मरम मरम बचे। तब अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी, तुम कितने धर्मशील हो, कितने गुणवान हो, कितना धर्म की मर्यादा को जानने वालों हो, वह मुझे सोला विस्तार से मालूम। हमऊँ सुनी खुद गर्भ स्थोरी, देखी नयन दूत रखवारी, और तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, उनका हरण किया है, उनको परेशान किया है, छल के बल पर तुमने माया के बल पर ऐसा किया है। देखी नहीं दूत रखवारी, भूल न मरऊँ धर्म रखवारी, दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने और उसका पालन करने वाले तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाते हो? तुमको इस संसार में, इस सृष्टि में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम अस्तित्वहीन हो और निकट 10 दिन के भीतर तुम्हारा अस्तित्वहीन तुम विहीन हो जाओगे, क्योंकि तुमको मर्यादित बातें तुम्हारी अंतःकरण में कोई स्थान नहीं देती। कान तब अंगद ने रावण को पूर्ण तरफ से जिस प्रकार से लज्जित किया, कान नाग बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विखार। तो नाग कान से रहित बहन को देखकर शूर्पनखा को नाग कान जब शूर्पनखा रे किंग कर्तव्य गुण की हालत मर्यादा के विपरीत कार्य करके लक्ष्मण जी और राम जी को बहुत ही परेशान कर दिया, तब लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काटे, उनके लिए मजबूरी हो गई क्योंकि मर्यादा की रक्षा करनी थी। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी तो धर्म की नीति के अनुसार 14 साल का वनवास होकर वन में विचरण करके अनेक लोग कल्याण वाले कार्य करते हैं। कहाँ रावण की बहन शूर्पनखा जो अनेक प्रकार से मायावी अभिलाषाओं में घूमते हुए उनके पास आती है। तब अंगद उन्हीं बात को दोहराते हैं कि ना कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर वो क्षमा कर दिया, तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जागी, तुम्हारी जो धर्मशीलता है जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है, पूरी सृष्टि जानती है। तो पावा दर्श हुआ बड़ा भाग्य, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया, तुम्हारे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे नीति और मर्यादा के विहीन और नीति का मर्यादा से हट करके जो तुम्हारा जीवन है, आज मैंने इस प्रकार के लोगों से भी मेरा पल्ला पड़ा है और तुम्हें धन्य है, तुम किसी मानव जीवन के लिए पशु के समान हो। जनी जलपशी जड़ जंतु कभी सठ विलोग मनोभा हो, लोकपाल बल विभुल शशि ग्रसत ही।
यानी जनी का जनी जनी जल पशी जड़ जंतु का पिता। यानी रावण ने कहा, अंगद के उत्तर देने पर रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु बानर, बानर जो है जड़ जंतु हैं, बानरों को पहले बुद्धि नहीं होती थी। हनुमान जी खुद ही बोलते हैं कि मैं बंदर जाति का हूँ, मुझे ज्ञान नहीं आता है। लेकिन मर्यादा वसूल भगवान राम जी के शरण में आने पर जो उनको बुद्धि विवेक पैदा हुआ, तो रावण उसी चीज़ का बखान करते हुए कहता है कि हे रावण ने कहा कि जन जनि जलपश जड़ जंतु कभी, यानी अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक कर रहा है। जो तुमने ये बातें कही, जो ज्ञान की बातें की, ये बेकार ही है, अर्थहीन है। और सठ भी लोग मंगवाओ, और कहा कि अरे मूर्ख मेरी भुजाओं को देखो, मेरे 10, 30 और 20 भुजाओं को देखो, मेरा कितना प्रताप है। तो घन घमंड, जो जब घमंड से आदमी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना ही बलवान आदमी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह घमंड करता है, उसको अभिमान आ जाता है, वो अपनी मर्यादा को बोल जाता है, अपनी निधि को बोल जाता है, तो इस संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लोकपाल बल विपुल शशि, तो कहता है ये सब लोकपालों के विशाल जो बल रूपी चंद्रमा को गसने के लिए राहु के समान हैं, उस प्रकार से मेरा शरीर का दिव्य स्वरूप देखो कहता है, मेरी भुजाओं को देखो कहता है। और पुनि नव शरम कर नहीं करो कमल नहीं कर कर वास शोभत भयम मरा लि वो शंभु शरीर कर वास। अब जो है शिवजी ने जो है रावण को वरदान दिया था, रावण की भक्ति में लीन था, और पुनि नव सर मम कर नहीं करो कमल नहीं कर कर कमल नहीं पर करिवास। यानी फिर तूने सुना ही होगा, उनको अवगत ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसने वाली जो शिवजी हैं, तो कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। लेकिन मर्यादा वसुधा भगवान राम जी ने कहा शिवद्रोही, जो शिव का द्रोही है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है, और जो मेरा द्रोही है वह शिव का भक्त नहीं हो सकता है। तो अनायास ही शिवजी ने जो है रावण जब सही था तो उसमें शिवजी ने उनको वरदान दिया, तो वह घमंड में चूर हो गया, तब उसका घमंड जो है मर्यादा वसुधा भगवान राम ने क्षीण किया। और तब मर्यादा वसुधा भगवान राम ने एक जगह कहा है कि शिवद्रोही, जो शिव का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और जो मेरा भक्त है, जो मेरा दो जो मेरे से बैर रखता है, वह शिव जी का सच्चा भक्त नहीं कहलाता। तो इस प्रकार दोस्तों शिवजी सहित कैलाश उसके समान शोभा को प्राप्त करता है। पुरानी बातों को याद करते हुए रावण जो है अंगद को अनेक प्रकार से बहला फुसा करके अपने बातों को बदलने की कोशिश करता है, नीति की बातें समझाता है। अंगद ने जो बात जो प्रखर तीर उसके अंतःकरण में डाले, बातों के तीर जब उनको उसके अंतःकरण में डाले, तब रावण जो है किन कर्तव्य मूर्ण हो गया। अकेला अंगद पूरी लंका में जिस प्रकार निर्भीक होकर के वहाँ पर गए थे, तो क्योंकि अंगद दोस्तों दूत थे, दूत को कोई भी कुछ नहीं कर सक रहा है, अनिति के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है। तो अंगद ने निसंकोच वहाँ पर अपनी बातें रखी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों को रखा, और सीता जी को खुशी के साथ देने के लिए रावण से कहा कि अमर्यादित कार्य कोई न हो। रावण का अगर वध हो जाएगा, उसके परिवार हैं, उसकी पत्नी है, उसके सगे संबंधी हैं, लंका की पूरी प्रजा है, कोई भी कुछ न करने पाए, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, रावण की मृत्यु के अंत होने के बाद कोई भी अवहेलना का पात्र हमको न कहे, इसलिए मर्यादित बातों का आज के प्रसंग से प्रेरणा मिलती है। दोस्तों हमें तब तक अपने जीवन में एक दूसरे से सहमति, आपसी सहयोग,
और आपसी सामंजस्य स्थापित करके किसी भी बातों का हल निकालना, ये हमको रामचरितमानस के आदर्शों से प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इन्हीं बातों को मानव तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के आदर्श से, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस सृष्टि के रचना को, इस सृष्टि को हमेशा जीवित रखने के लिए अहंकार और अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सही रास्ते पर लाया जाता है, अगर वह सही रास्ते पर नहीं आता है तो उसका अंत दो गत्वा कैसे अंत होता है, यह जो है रामचरितमानस के संशय को विदित होता है। यही द्वापर में कृष्ण भगवान ने यदा यदा धर्म से ग्लानि भगवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन उसका, तो धर्म की जब हानि हुई है, जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तो भगवानों ने किसी न किसी रूप में इस संसार में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के भाव आएंगे, कहीं ना कहीं पर भगवान का अवतरण होगा और जो भी इस प्रकार की आत्माएं होंगी उनका अंत होगा या निश्चित है। परमात्मा जो है किसी न किसी रूप में इस संसार में अवतरित होते हैं और सत्य और असत्य की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए संजीवनी के समान, संजीवनी बूटी के समान उसको हमेशा जीवित रखते हैं, उसका संचार करते हैं। ऐसे भावों को मानव जीवन के अंतर मन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के प्रसंग में सबके मंगल हो, उसकी कामना के साथ सबका जीवन, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, शिव का आराम से मानस का अनुसरण करते रहें।